और इधर मतगणना से लेके जहां बीजेपी ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं, मतगणना से पहले बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। जहां आपको बता दें कि 4 जून को बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा। चुनाव रिजल्ट के बाद हर कार्यालय में जश्न मनाने की तैयारी पार्टी ने कर ली है। ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं बीजेपी नजर आ रही है, जहाँ 4 जून को नतीजे आएंगे और नतीजे आने पर बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारियां कर ली हैं। जहां आपको बता दें कि चुनाव रिजल्ट के बाद कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा और इसी को लेकर तैयारियां भी बीजेपी ने अब तेज करनी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और जो नारा पार्टी ने दिया था कि अब की बार 400 पार लक्ष्य बड़ा है, खैर 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके का हम ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी में देख पा रहे हैं कि अभी नतीजे आए नहीं हैं, मात्र 4 जून को अभी समय है, 4 जून को जब नतीजे आएंगे घोषणा होगी उसके बाद स्थिति साफ होगी, लेकिन तैयारियां अभी से पार्टी ने कर ली हैं जश्न की। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरीके की तैयारी की थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी बयानबाजी की थी कि 1 क्विंटल जो लड्डू है उसका ऑर्डर दिया गया है, उसके साथ ही रंग रोगन जो कांग्रेस दफ्तर है वहां पर रंग रोगन कराया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने दावे ठोक दिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीतने जा रहे हैं और देश भर में 400 से ज्यादा सीटें आएंगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी की हैट्रिक जीत पर जब उनकी प्रचंड जीत होगी तो भोपाल भाजपा दफ्तर समेत सभी जिला के जिला मुख्यालयों में प्रचंड जश्न का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि जश्न की जो तैयारी है वो तैयारी तेज कर दीजिए और जश्न की तैयारी शुरू करिए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अति आत्मविश्वास में दिखाई देते हैं और कह रहे हैं कि हम 4 तारीख को जो प्रचंड जश्न है उस जश्न को मनाएंगे। उसके साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है कि हम 29 की 29 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कुछ सीटें हैं वहां पर कुछ चुनौतियां भी पेश की है कांग्रेस पार्टी ने। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि जब 4 जून को मतगणना होगी और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी जीत मनाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी अपने दावे हैं कि हम डबल डिजिट में जा रहे हैं, वहीं बीजेपी 29 सीट जीतने का दावा कर रही। तो देखना यही होगा कि कौन से दफ्तर में लड्डू बटेंगे या मिठाई बटेगी। बिल्कुल, देखने वाली बात रहेगी, चूंकि दोनों ही पार्टियां इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही हैं। जहां कांग्रेस ने 1 लाख लड्डुओं का, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 1 लाख लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया, तो उधर बीजेपी ने भी जश्न की तैयारियां शुरू कर ली हैं। खैर 4 जून को स्थिति साफ हो जाएगी, बने रहिएगा आप, आपसे और भी आगे अपडेट्स लेंगे।